जयपुर के मानसरोवर स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में वर्षा योग मंगल कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। मुनिश्री जिनानंद जी महाराज सत्संग के सानिध्य में ये भव्य आयोजन हुआ। अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री जिनानंद जी महाराज, मुनिश्री सर्वानंद जी महाराज और मुनिश्री पुण्यानंद जी महाराज का मंगल चातुर्मास गुलाबी नगरी जयपुर में शुरू हो चुका है। चातुर्मास के अंतर्गत 9 जुलाई को मंगल कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ श्राविकाओं द्वारा सुंदर नृत्य की प्रस्तुति देते हुए किया गया, जिसके बाद भक्तों ने गुरु पूजन करते हुए शुभ तत्वों के अर्घ्य मुनि संघ के समक्ष अर्पित किए। मीरा मार्ग मानसरोवर जयपुर में आदिनाथ भवन में परम पूज्य वसुनंदी जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि सर्वानंद जी महाराज, मुनि जिनानंद जी महाराज, मुनि पुण्यानंद जी महाराज का भव्य मंगल चतुर्मास कलश स्थापना का कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर श्री गंगवाल परिवार, नेमीचंद जी गंगवाल परिवार ने ध्वजारोहण का सौभाग्य प्राप्त किया और श्री हुकमचंद जी बुद्धि प्रकाश जी जैन ने पांडाल उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आदिनाथ दिगंबर जैन समिति के तत्वाधान में चातुर्मास कलश स्थापना का कार्यक्रम काफ़ी हर्षोल्लास के साथ यहाँ संपन्न हुआ। मंगल कलशों की बोली के साथ में ढाई लाख के कलश, जो कि प्रथम कृष्ण अजीत जी शशि जी तोतुका, द्वितीय कलश अरविंद जी राजेंद्र जी सेठी, तृतीय कलश 2.5 लाख रुपए का श्री राजेश जी पंकज जी काला, इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये आज जयपुर के मीरा मार्ग दिगंबर जैन समाज का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य जिनानंद जी महाराज सत्संग का चतुर्मास के कलश स्थापना का कार्यक्रम मीरा मार्ग दिगंबर जैन मंदिर के अंदर यहाँ पर सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में सकल दिगंबर जैन समाज जयपुर और जयपुर से बाहर से पधारे हुए अनेक अतिथियों ने अपनी सहभागिता यहां पे दर्ज कराई। आयोजन के दौरान मुनिश्री ने भक्तों को दिव्य देशना के माध्यम से ज्ञान मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उस तीनों राजाओं में से आप चयन कर लें कौन सा राजा बनना है आपके लिए। नहीं बनना, अधोलोक का राजा बनना है या ऊर्धलोक का राजा बनना है या मध्यलोक का राजा बनना है या तीनों लोकों का राजा बनना है। यदि तीनों लोकों का राजा बनना है तो यहाँ की राजा बनने की इच्छा छोड़ो। अब आपका कदम तीन लोक की राजा बनने के लिए पहला कदम यही कदम है कि यहाँ की राजा बनने की इच्छा समाप्त कर दो। मंगल प्रवचनों के बाद सौभाग्यशाली भक्तों को मंगल कलशों के साथ गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जैन फोकस के लिए जयपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।